नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान बिहार के एपिसोड में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसमें हम आपको 11 ऐसे सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे जो कि बिहार से जुड़े हैं। ये सवाल काफ़ी यूनिक है और बिहार से जुड़े कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि BPSC, बिहार दरोगा के पेपर में भी पूछे जाते हैं। इस तरह से यह आपकी बेसिक जानकारी के साथ ही तैयारी के लिए भी जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एपिसोड के अंत में हम एक सवाल आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको ही कमेंट में देना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितने सवालों के सही सही जवाब जानते हैं। सवाल नंबर 1, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए भरत मिश्रा, बी चंद्रका सिंह, सी गिरीश तिवारी, डी विपिन बिहारी शर्मा। इसका सही जवाब है डी विपिन बिहारी शर्मा। सवाल नंबर 2, बिहार में ज्वार फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिला में होता है? ए शाहबाद, बी चंपारण, सी मुंगेर, डी सहरसा। इसका सही जवाब है ए शाहबाद। सवाल नंबर 3, सुमात्रा द्वीप के राजा ने प्राचीन बिहार में कहां पर विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? ए पाटलिपुत्र, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी उदंतपुरी। इसका सही जवाब है सी नालंदा। सवाल नंबर 4, भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ए राजनीति विज्ञान, बी साहित्य, सी रंगमंच एवं लोक कला, डी समालोचना। इसका सही जवाब है सी रंगमंच एवं लोक कला। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर में स्थित नहीं है? ए ब्रह्मकुंड, बी सीता कुंड, सी लक्ष्मण कुंड, डी ऋषि कुंड। इसका सही जवाब है ए ब्रह्मकुंड। सवाल नंबर 6, बिहार के किस जिले में सोने के नए भंडार का पता चला है? ए लखीसराय, बी बेगूसराय, सी मुंगेर, डी नवादा। इसका सही जवाब है सी मुंगेर। सवाल नंबर 7, पत्रकार रवीश कुमार का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? ए मोतिहारी, बी मुजफ्फरपुर, सी समस्तीपुर, डी दरभंगा। इसका सही जवाब है ए मोतिहारी। सवाल नंबर 8, बिहार में सबसे ज़्यादा GI टैग किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ए खाद्य पदार्थ, बी हस्तकला, सी वस्त्र उद्योग, डी शिल्पकला। इसका सही जवाब है ए खाद्य पदार्थ। सवाल नंबर 9, जल जीवन हरियाली मिशन किस सरकार में किया गया था? ए नीतीश कुमार, बी लालू सरकार, सी कांग्रेस सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए नीतीश सरकार। सवाल नंबर 10, बिहार में कहाँ का खाजा सुप्रसिद्ध है? ए गया, बी दरभंगा, सी सिलाव, डी चंपारण। इसका सही जवाब है सी सिलाव। सवाल नंबर 11, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार के किस जिले में है? ए भागलपुर, बी दरभंगा, सी पटना, डी बेगूसराय। इसका सही जवाब है सी पटना। पिछले सेट में जिन दर्शकों ने सबसे ज़्यादा सवालों के सही जवाब कमेंट के माध्यम से दिए उनके नाम स्क्रीन पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक सवाल जिसका जवाब आपको देना होगा। सवाल है, बिहार में शराबबंदी किस साल लागू की गई थी? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर दें। साथ ही आज के वीडियो में आप कितने सवालों के सही जवाब गेस कर पाए वो भी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में हमारे चैनल पर दिखाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।